ओम शांति। जब विनाश काल भूलता है तब अलवेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो। सोचो आपको तो डायरेक्ट परमात्मा मिल गया, उसने आपका जीवन इतना सुखमय बना दिया है। अब आपका कर्तव्य यही बनता है सबको उस परमात्मा से मिलाना, सबको उस सुख की अनुभूति कराना जो सुख आप अनुभव करते हैं। तो भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो। सोचो कितनी आत्माएं कैसी कैसी व्याधि से जूझ रही होती हैं और वह भगवान के आगे गुहार लगाती हैं कि इस बीमारी से हमें मुक्ति दो, ये बीमारी हमारी छूट जाए, हम भी दुनिया देखना चाहते हैं। कईयों की दुनिया एक हॉस्पिटल में या एक बेड पर ही निकल जाती है, कितने वर्षों तक वो बेड पर ही होते हैं। सोचो वो भी तो गॉड को याद करते होंगे। तो ऐसी आत्माओं की प्रार्थना क्या सुनाई देती है? तो अगर सुनाई देती है तो आप अलबेले कैसे हो सकते हो? अलवेलापन क्या है? पुरुषार्थहीन होना, पुरुषार्थ को महत्व ना देना, अपने आप को ब्राह्मण सो फरिश्ता ना बनाना, व्यर्थ की बातों में अपना चिंतन चलाना, व्यर्थ में अपना समय गंवाना, सब कुछ व्यर्थ करते जाना, मनसा वाचा कर्मना सब व्यर्थ में लगा देना, ये सब क्या है? ये अलवेलापन है, ये अलवेलेपन की नींद है। जहां जरूरत पड़े वहां अवेलेबल नहीं होना, व्यर्थ में दूसरों के संकल्प चलवाते रहना, खुद के भी चलाना दूसरों के भी चलवाना और फिर कहना हमारे साथ है सब, फिर आप ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वालों में से नहीं है। फरिश्ता वो जो सबके लिए एक समान दृष्टिकोण रख के अपना सब कुछ त्याग देता है और उस त्याग का भी त्याग करता है, उसे भूल जाता है कि मैंने क्या त्याग किया। तो प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो। कभी सोचा है कितनी दुनिया में कितने लोग ऐसे तकलीफ में होंगे? जब किसी का सीन ऐसा देखते हो या कोई दृष्टि ऐसे या किसी के फोन में ऐसे कोई सीन आ जाता है तो आपको थोड़े पल भर के लिए ऐसा वैराग्य होता है कि अरे हमारा जीवन देखो ना कितना अच्छा है और दूसरों के जीवन में कितना कष्ट है, कितनी तकलीफें हैं और हमारा निश्चिंत जीवन, कोई बंधन नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई फिक्र नहीं। क्या आपने इस जीवन की वैल्यू को समझा है? कितनी बड़ी बात है आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं, फिर भी इंसान खाते पीते रोते ऐसा बन जाता है कि मतलब कोई ना कोई बहाना चाहिए उसे परेशान होने के लिए, जबकि बहाना क्या, उसके पास कोई परेशानी है ही नहीं, फिर भी मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। उसे कहते हैं अलबेलेपन की नींद, कि हमारे पास ऑलमाइटी अथॉरिटी का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन हम शुक्रगुजार होने के बजाय कुछ और ही चिंतन करते रहते हैं, व्यर्थ का, इसने वो किया उसने ये किया, ये वो करता है वो करता है। सारा समय जब दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो जहां सही में सोचना है उसके बारे में समय कब देंगे? जहां पर सही में आपका समय जाना चाहिए, जिनके प्रति आपके संकल्प जाने चाहिए, आप पवित्र आत्माएं पवित्रता को अपनाए हुए हैं, तो अगर आपकी मनसा वाचा कर्मना पवित्र हो जाती है तो आप दूसरों के प्रति अगर चिंतन भी करेंगे तो उन तक तो वाइब्रेशन जाएंगे ही जाएंगे। पवित्रता की शक्ति इतनी कमजोर मत समझिए, वो बहुत बड़ी होती है। हर चीज का आनंद किस लिए ले रहे हैं? ताकि दूसरों के कल्याण के लिए आप सोच सकें। तो बाबा कई बार कहते हैं कि आपको सुनाई नहीं देता कि इतने भक्त पुकार रहे हैं, इन दुखी आत्माओं के दुख की पुकार तो सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो। तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। जो जिम्मेवारी समझता है ना उसको ऐसे अलबेलेपन की नींद भी नहीं आती है, आलस्य भी उस पर हावी नहीं होता। कहीं कहते हैं मुझे आलस्य और अलबेलापन है क्योंकि जिम्मेवारी नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है। जब कोई जिम्मेवारी नहीं कोई जवाबदारी नहीं तो आलस्य और अलबेलापन ही आएगा। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, भक्तों की पुकार सुननी है, उनको परमात्मा से मिलाना है। आपने क्या मिलना है? आपको तो सिर्फ बीच में मीडिएटर का काम अदा करना है क्योंकि आप तो जानते हैं ना परमात्मा कहाँ है, तो आपको तो सूक्ष्म में ऐसे उनकी पालना करनी चाहिए। तो भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुखी पुकार सुनो। भगवान कह रहे हैं तुम सुनो ना, ये
क्योंकि वो तो तुम्हें बुला रहे हैं, लेकिन हम सुनेंगे और मिलाएंगे बाप से। जब हमें ये क्लियर होगा तभी तो मिला पाएंगे। तो अलबेलापन कहाँ से आए, आलस्य कहाँ से आए, जब इतने बड़े कार्य के निमित्त बन जाएंगे। तो प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन, अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मुहूर्त। जब किसी कार्य के प्रति आप लापरवाह होते हैं, वो कब होते हैं, जब आपको लगता नहीं है कि आपकी जवाबदारी है, आप इजी हो जाते हैं, तो भी तो अलबेलापन आता है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें ये जिम्मेवारी मिली है, जवाबदारी है, सब कुछ तो जिम्मेवारी बाप की है, लेकिन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले उसकी जिम्मेवारी भी तो बहुत बड़ी बात होती है, और फिर आगे की जवाबदारी होती है, कितनों का नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी जिम्मेवारी और जवाबदारी का मतलब ही नहीं पता। तो सोच के देखना कि आप कितनी बड़ी जिम्मेवारी के निमित्त हो और कितनी बड़ी जवाबदारी है, अगर हम इन पुकारों को ना सुनकर अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। ये सोना वो सोना नहीं है जो आप रात्रि को सोते हो या दिन में सोते हो, ये सोना वो सोना है जिसमें आपकी बुद्धि नहीं चलती है, बुद्धि ठप है, ये वो अलबेलापन है जिसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हम किस किस बात के लिए निमित्त बने हुए हैं, कितनी बड़ी जवाबदारियां हैं हमारी, कितनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं। तो ये वो अलबेलापन है। तो जब आप जागती ज्योत बनेंगे तो अलबेलेपन की नींद को तलाक दो, तलाक दे दो, माना तलाक देने से क्या होता है, उसकी परछाई तक खत्म हो जाती है। तो इसलिए बाबा तलाक देने के लिए कहते हैं कि बिल्कुल परछाई खत्म हो जाए, कि वो चीज उसकी पहचान ही खत्म हो जाए तुम्हारे जीवन से। तो अलबेलेपन की नींद को तलाक दो, माना हमेशा के लिए आपने छोड़ दिया, उसे कहते तलाक देना, हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो जब आप अलबेलापन एक दो दिन के लिए नहीं, तलाक देना एक दो दिन के लिए नहीं, रूठे और इधर जाके बैठ गए, तलाक देना सदा के लिए, माना रिश्ता या संबंध खत्म हो गया। तो ये अलबेलेपन की नींद को हमेशा के लिए आप क्या दे दो, तलाक दे दो और साक्षात्कार मुहूर्त बनो। माना अगर आपको अपनी जिम्मेवारी और जवाबदारी का एहसास होगा तभी तो आप वो स्वरूप में रहेंगे और फिर तभी तो आप साक्षात्कार मुहूर्त बने। तो हर पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ कैसे ताल्लुक होता है ये भी समझने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव, जिसने नींद को जीता, कौन सी नींद, अलबेलेपन की नींद, और वही चक्रवर्ती बनता है। तो ऐसा तलाक दे दो कि आप जीवन में कभी भी अलबेलेपन की परछाई भी अपने जीवन में ना महसूस कर सके, ऐसा तलाक। वो सोच, वो स्मृतियां ऐसी मर्ज रहे कि हमारी जवाबदारी और जिम्मेवारी क्या है, तो बस फिर वो अलबेलेपन की नींद को हमेशा के लिए तलाक मिल जाएगा। ओके, ओम शांति।